हाय दोस्तों, मैं हूं तौकीर आलम। आप शानदार तरीके से अंग्रेजी बोल सके, इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी याद करें, क्योंकि जितना शानदार आपके पास वोकैबुलरी रहेगा उतना शानदार आप अंग्रेजी बोलेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपके लिए लाया हूं कुछ वर्ड्स जो बड़े काम के हैं, जो डेली लाइफ में बोले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले कि मैं ये शुरू करूं, आइए आज की शुरुआत एक मजेदार वर्ड से करें। तो चलिए वो वर्ड्स देखते हैं। तो आइए वो अमेजिंग फैक्ट्स देखते हैं जो बहुत दिलचस्प है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं एक से लेकर 99 तक की काउंटिंग में कहीं भी ABCD लेटर नहीं आते हैं? पहली बार डी नजर आता है जब हम 100 की अंग्रेजी 100 देखते हैं। आइए अगला अमेजिंग फैक्ट देखते हैं। ए से लेकर 999 यानी 1 से लेकर 999 की काउंटिंग लिखने पर कहीं भी ABC लेटर नहीं आते हैं। पहली बार ए नजर आता है जब हम 1000 की अंग्रेजी थाउजेंड लिखते हैं। आइए अगला अमेजिंग फैक्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, एक से लेकर 99 करोड़ 99 लाख 99,999 तक की काउंटिंग लिखने पर कहीं भी बीसी नजर नहीं आते हैं, यानी 99 मिलियन 99 लाख 99,000 और 999 कि काउंटिंग लिखने पर कहीं भी बीसी नजर नहीं आते। पहली बार बी नजर आता है अरब की अंग्रेजी बिलियन। और रहा सवाल सी का, तो पूरी काउंटिंग में सी लेटर यूज्ड नहीं हुआ है। तो आपको ये बात कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए लेसन की शुरुआत करते हैं। आइए अब अपना लेसन शुरू करते हैं। यहां मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जो बड़े मजेदार हैं। चलिए एक-एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे देखना का कुछ अलग-अलग अंग्रेजी कि देखने के लिए सी, लुक और वॉच में क्या डिफरेंट है। तो मैंने सोचा सी, लुक और वॉच ही क्यों, और ब्लॉट, ग्लोवर, पीप, ऑगल, गेज और लीर को कौन जानेगा, तो क्यों नहीं सभी के बारे में आपको बताएं। तो चलिए एक-एक करके सबको देखें। पहला सी, हम जानते हैं आमतौर पर देखने के लिए सी का यूज होता है, लेकिन शब्द सी से पता नहीं चलता कि कैसे देखा जा रहा है। जब इस बात पर हमें फोकस नहीं करना रहता है तो हम यूज करते हैं सी, लेकिन कैसे देखा गया, किस नजर से देखा गया, जब हमें इस बात पर फोकस करना होता है तो हम अलग-अलग जगह पर अलग-अलग वर्ड का यूज करते हैं। चलिए एक एक करके सबको देते हैं। लुक मिस होता है देखना, लेकिन हम लुक का यूज बस तभी कर सकते हैं जब हम किसी चीज पर देखें, किसी वस्तु पर देखें, किसी नाउन पर देखें। जैसे बोर्ड पर देखो, लुक एट बोर्ड, मुझ पर देखो, लुक एट मी, पेड़ पर देखो, लुक एट ट्री, उसे देखो, लुक एट हिम, उन लोगों को देखो, लुक एट देम। तो जब हम किसी चीज पर या किसी नाउन पर देखने की बात करते हैं तो हम लुक का यूज करते हैं। आइए अब वॉच के बारे में देखते हैं। टीवी देखना या प्लेग्राउंड में हो रहे क्रिकेट देखना, फुटबॉल देखना, मूवी देखना या कोई ड्रामा देखना, इस सेंस में हम वॉच का यूज करते हैं। वॉच का एक और मतलब निगरानी करना भी होता है। एग्जाम्पल में समझते हैं। मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी। मैं क्रिकेट देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट। या आपने ड्रामा देखा, डिड यू वॉच ड्रामा। आइए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ब्लॉट। ब्लॉट का मतलब होता है बुरी नजर से देखना या खराब नजर लगा देना या किसी के ऊपर खराब नजर रखना। जैसे मुझ पर बुरी नजर मत रखो, डोंट ग्लॉट एट मी। किसी पर बुरी नजर रखना
गलत बात है। ग्लोटिंग एट समवन इज बैड हैबिट। कुछ लोग मेरे ऊपर बुरी नजर रखते हैं। सम पीपल ग्लॉट्स एट मी। वे लोग मेरे ऊपर बुरी नजर रखते हैं। दे ग्लॉट एट मी। आइए आज का अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ग्लोवर। ग्लोवर का मतलब होता है गुस्से में तिरछी नजर से देखना। एग्जाम्पल में समझते हैं, वह गुस्से में तिरछी नजर से देख रही है। सी इज ग्लोरिंग। गुस्से में तिरछी नजर से मत देखो। डोंट ग्लोर। आप गुस्से में तिरछी नजर से क्यों देख रहे हैं? व्हाई आर यू ग्लोरिंग? और आज का हमारा अगला वर्ड है पीप। पीप का मतलब होता है ताक झांक करना या झांक कर देखना। सुनो, ताक झांक मत करो। लिसन, डोंट पीप। वह ताक झांक करती है। सी पीप्स। आइए आज का अगला वर्ड देखते हैं। और आज का हमारा अगला वर्ड है ऑगल। ऑगल का मतलब होता है कनखी देखना या तिरछा देखना। आपको तिरछा नहीं देखना चाहिए या आपको कनखी नहीं देखना चाहिए। यू शुड नॉट ऑगल। और आज का हमारा अगला वर्ड है गेज। गेज का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना या गौर से देखना। वह आसमान को गौर से देख रहा है। He is gazing the sky. मैंने टकटकी लगाकर तुम्हारा घड़ी देखा या मैंने बारीकी से तुम्हारा घड़ी देखा। I gazed your watch. और आज का हमारा अगला वर्ड है लीर। लीर का मतलब होता है दुश्मनी से देखना। एग्जाम्पल, दुश्मनी से मत देखो। डोंट लीर। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, कुछ लोग आपको दुश्मनी के नजर से देखते हैं। समबडी लीर एट यू। आइए अब इन शब्दों के बारे में बात करते हैं। यहां मैंने कुछ शब्द लिखा हुआ है जो चलाने से रिलेटेड है, जैसे बाइक चलाना, घुड़सवारी करना, कार चलाना, जहाज चलाना, नाव चलाना। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है राइड। शब्द राइड का यूज हम तब करते हैं जब दो पहिया या तीन पहिया चलाने की बात हो या फिर किसी जानवर की सवारी की बात हो। यानी दो पहिया या तीन पहिया या किसी जानवर की सवारी के लिए राइड शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला वर्ड देखते हैं। राइड करने वाले को राइडर कहते हैं। यानी जो दो पहिया या तीन पहिया या किसी जानवर की सवारी करते हैं उन्हें राइडर कहते हैं। आइए अगला वर्ड देखते हैं। ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है चलाना, लेकिन चार पहिया या उससे अधिक वाले वाहन को चलाने के लिए ड्राइव शब्द का यूज करते हैं। जैसे मैं कार चलाता हूँ, आई ड्राइव अ कार। आप ट्रक चलाते हैं, यू ड्राइव अ ट्रक। आप बस चलाते हैं, यू ड्राइव अ बस। और चार या चार से अधिक पहिया वाले चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं। आइए आज का अगला वर्ड देखते हैं। और आज का हमारा अगला वर्ड है फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है जहाज चलाना या जहाज उड़ाना। जहाज को चलाने के लिए या जहाज को उड़ाने के लिए फ्लाई वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मैं जहाज चलाता हूँ, आई फ्लाई अ प्लेन। मैं एक जहाज चलाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू फ्लाई अ प्लेन। और जो जहाज चलाते हैं उन्हें पायलट कहते हैं। और जहाज चलाने वाले पायलट की मदद करने वाले यानी जहाज में कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो पायलट की मदद करते हैं, उन्हें हम क्रू मेंबर कहते हैं। और जहाज में बैठे लोगों को पैसेंजर यानी यात्री कहते हैं। आइए अगला वर्ड देखते हैं। और हमारा अगला वर्ड है सेल। सेल का मतलब होता है पानी वाला जहाज चलाना। आइए अगला वर्ड देखते हैं। पानी वाला जहाज चलाने वाले को हेल्म्समैन कहते हैं। यानी हवाई जहाज चलाने वाले को पायलट कहते हैं, जबकि पानी वाला जहाज चलाने वाले को हेल्म्समैन कहते हैं। और जो लोग उसकी मदद करते हैं उन्हें क्रू मेंबर कहते हैं। और जहाज में बैठे यात्री को पैसेंजर कहते हैं। आइए अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है रो। रो मतलब होता है कश्ती चलाना, नाव चलाना। एग्जाम्पल में देखते हैं, मैं रोज कश्ती चलाता हूँ, आई रो एवरी डे। क्या आप कश्ती चलाते हैं, डू यू रो। कश्ती चलाने वाले को रोअर कहते हैं।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे प्रैक्टिस के द्वारा सीख लेंगे। तो फिर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। जितना शानदार प्रैक्टिस करेंगे उतना शानदार परफेक्शन होगा। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए।